कार से मजा नहीं आता है, मजा किससे आता है? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, वेजिटेबल डाइवर्सिफिकेशन, फ्रूट डाइवर्सिफिकेशन। इस फल का अगर हम निजीकरण कर लेंगे, हमको आमदनी किसी ना किसी मोड़ पर किसी ना किसी लगे तो अपनी अपनी अवश्य मिलेगी। वो निजीकरण कैसे करेंगे? देखिए, एक उदाहरण आपको हम आंवले का देते हैं। आंवला एक रूप अनेक, कहते हैं आंवला एक अमृत फल है। ये बात एकदम सत्य है। आंवले का विटामिन सी किसी भी दफा में नष्ट नहीं होता है, इसलिए आंवला एक रूप अनेक और उसको निजीकरण। देखिए, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन बहुत हो गया। इस किसान ने एक आंवले के 10-15 उत्पाद बना लिए। एक आंवले का डाइवर्सिफिकेशन करना बहुत मुश्किल होता है। एक फल का डाइवर्सिफिकेशन, एक सब्जी का डाइवर्सिफिकेशन बहुत मुश्किल होता है। आप तकनीक क्या कहती है? आप हमको अपनी तकनीक के अनुसार अपने कार्यक्रम में संशोधन करना ही होगा। आंवले में देखिए, आंवला कहते हैं कि जब आंवले का अभी तक पॉपुलर क्या था, आंवले का मुरब्बा अचार चटनी। अगर आंवले के 10-15 उत्पाद कोई किसान अगर बना करके बेचता है तो उस किसान की आमदनी 4 गुना 16 गुना में नहीं दिक्कत आएगी। क्यों नहीं दिक्कत आएगी? क्योंकि एक तो वो एक ही जगह एक ही काउंटर है, पब्लिक वही जाती है जहाँ वो अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन कहाँ मिला कि हर दुकान पे लगा है आंवला, लेकिन आंवले का सामान जो रखा है जहाँ 15-16 आइटम रखे हैं, लोग वहाँ जाएंगे, देखेंगे ऐसा क्या नया रखा है। तो आंवले का अचार, आंवले का मुरब्बा, आंवले की बर्फी, आंवले की कैंडी, आंवले का कड़ा, आंवले का लड्डू, आंवले की बर्फी, आंवले का लदर, आंवले का क्रस, आंवले का लस्सा, आंवले का जूस, आंवले का दो सुपारी। सबसे लास्ट में हम इस पहलू पर आते हैं। इस पहलू पर हमारे कृषक भाई बंधु, कृषक महिलाएं बहुत परेशान रहती है, वो है सुपारी। हर ग्रामीण